हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अक्षय ब्लॉग्स आई होप आप सब सही स्वस्थ आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में आई होप आपको हमारे गांव की शादी अच्छी लगी हो और हमारे गांव में ना इसी तरह से रीति रिवाज से शादी होती है बहुत सिंपल एंड बेस्ट मैं आपको बताऊँ इतना मजा और किसी शादी में नहीं आता जितना गाँव की शादी में मज़ा आता है सब लोग जो है ना बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे मजे ले रहे थे रात को हम लोग ज्योतिका के घर गए थे उसका जन्मदिन था रूबी दीदी और इन दीदी ने कुछ सरप्राइज प्लान किया था हम लोग भी गए थे काफी मजा आया तो अभी क्या है ना सब लोग चुके हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सब लोग गए अभी रूबीना दीदी के घर तो अभी हम लोग भी उठे हैं हमारे साथ कौन है हमारे साथ है जे तो सुबह सुबह जे जो है हमसे मिलने आ गई आज का मौसम कुछ इस तरह से है कि बादल तो है और धूप भी है इस वजह से गर्मी बहुत हो चुकी है कल शाम को बहुत ज्यादा अच्छा मौसम था ठंडा मौसम तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ वाह तो सुबह सुबह मैं जे को लेके आ गया हूँ अपने साथ तो जे मस्त होके जो है ना बैठी हुई है गर्मी लग रही है गर्मी लग रही है शायद अंदर चलना मैं बेटू कहाँ था मेरा जे बेटू बस <laughs> बस हो गया भाई अब नहीं <laughs> तो जे को मैं इसलिए लेके आया था कि थोड़ा सा कुछ खिलाते भी है क्योंकि लियो तो रूट चुका है और आता है वो वो आता है जब जे नहीं होती आता है खाता है और चला जाता है, है।, है। वो पूरी बाउंड्री में घूम रहा था मेरे पीछे पीछे खाना दे फिर हम रात को परे गए थे परे बैठा था हम लेट आए बल्कि तीन बजे आए फिर भी वही बैठा था कि कहीं गए नहीं है तो मुझे लियो की बात बहुत अच्छी लगती है वो हमारे साथ आता है वही बैठा रहता है कहीं नहीं जाता है तो उसको खाना तो दे दिया था पर शायद उसको शायद बहुत भूख लगी थी आ, तो शाम को आके फिर खाना उसे उसके लिए कम पड़ गया फिर और बनाया उसके लिए फिर उसको और दिया कल मुझे शादी में बहुत मजा सही बात है। लोग भी मिले कुछ कुछ क्योंकि ऐसा था शादी के बाद गांव यहाँ से काफी दूर है तो कुछ लोगों को तो मैं जानती भी नहीं थी तो कल सबसे सबसे मिली बेसिकली हमारी जो गांव की फैमिली है दुईना फैमिली तो उसके सारे लोग थे और हमारे गाँव वाली फैमिली में ही शादी थी

तो उनको सुलाया था तो अभी जा के थोड़ा बहुत सेटिंग कर दिए ये रह गया ये मैं कर लेता हूँ और थकान मैं क्या बताऊं आपको जैसे कल रात को हम बहुत ज़्यादा लेट सोए ना तो मुझे तो बहुत ज्यादा थकान है अभी ये 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 ऐसा लग रहा तो तो है रेस्ट करना है हाँ सही बात है तो क्योंकि हम लोग परे चले गए थे फिर वहां बर्थडे सेलिब्रेशन था फिर उसके बाद हम लोग वैसे ही बैठे कुछ टाइम के लिए तो लेट हो गया और आपको मैं मतलब व्लॉग भी सुबह सात बजे अपलोड हुआ है अरे लोग बहुत आए हैं आये तो और मैंने अभी नोटिस किया कि व्लॉग में ना म्यूजिक थोड़ा आगे पीछे हो गया है हो हो जाता जाता है में जाता है थकावट में में एडिटिंग वो चीज़ क्योंकि समय कम था फिर अपलोड भी करना था तो फिर मेरे को ज्यादा टाइम लगा नहीं तो और ऐसे है कि अब जैसे अभी लोग सब लोग साथ थे ना अब मैक्सिमम चले जाएंगे आप ना बहुत हेल्दी लग रहे हो शिवम भी कल मेरे को बोल रहा था कि भाभी इतने हेल्दी क्यों हो गए हो क्योंकि हम प्रेगनेंट है नहीं वैसे ना अब जैसे अभी तक प्रेगनेंसी होती है हाँ। फेस पे, आपको लग रहा होगा स्वेलिंग भी होती है 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 मोटे -मोटे, तो, मोटे से लग रहा फेस पे स्वेलिंग हो रखी क्योंकि नींद सो नहीं पाए है ना तो आपने अभी रेस्ट रेस्ट करना रेस्ट कर लो थोड़ी नहीं। अभी नींद ही नहीं आ रही है अच्छा थोड़ा सा देखते हैं कुछ ना कुछ क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद अभी वो लोग भी निकलेंगे तो भी रेस्ट करेंगे तो फिर उनको भी बाय बोल देंगे फिर रेस्ट करेंगे क्योंकि जे हमारे पास है उसको हम नीचे ला रहे थे नीचे आ नहीं रही तो मम्मी ने बोला कि तुम लोग नीचे जाओ मैं मम्मी बैठे है ऊपर तो फिर मम्मी के साथ वो भी बैठी है हेलो जाओ, थे आप नीचे क्यों नहीं आए हम आपको बुला रहे थे अच्छा बेटू अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है रेस्ट किया आपने गुड गर्ल जे को भी बढ़िया मजा आ रहा है लास्ट आधार में गुड अच्छा बात तो नहीं घूमना आ जाओ जाओ बाहर घूमते चलो चलो वाह मामा जान आप चाय बना रहे हो सेल्फ चाय क्या बात है मान गए अच्छा क्या चाहिए बेटू क्या चाहिए अच्छा अच्छा इसको प्यार नहीं किया ना ठीक 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 है थीक है थीक है, थीक है भाई good girl, good girl. तो हमारे लिए भी बनाओगे ऐसा आप अरे क्या बात मैं बनाओ? पहले आप अपने लिए बनाओगे हाँ ठीक है बनाओ मामू क्या है ना खुद ही चाय बनाते हैं क्योंकि इनको अपने हाथ की चाय ज्यादा अच्छी लगती है नेहा के हाथ की ज्यादा अच्छी नहीं लगी बी टीम के मेंबर्स है आपके हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी इनको नहीं फिर मामू के बनाने का स्टाइल अलग है उनको बिल्कुल कड़क चाय चाहिए होती है है वो हमें आती नहीं है, इसलिए मामू खुद बना रहे ठीक है बाकी लोग कौन कौन पिएगा हाँ। हम तो तो तीन तो चार है चार बापी? आपको मिला के मम्मी आप पियोगे चलो आप अपने लिए बनाओ फिर हम अपने लिए बना देंगे ठीक है अपने लिए बना दो स्पेशल चाय बाकी लोग कहा आ रहे चाय पीने से पहले मामू को खानी है पियर्स फ्रेश फ्रॉम फार्म तो पेड़ से नहीं तोड़ूंगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी गिरी है तो नीचे जो गिरी हुई होती है ना वो ज़्यादा बेटर रहती है पेड़ से डायरेक्ट नहीं तोड़ना चाहिए एक तो नुकसान होता है फिर दूसरा ये भी होता है कई बार लोग जो फ़सल है ना वो अपने देवता महाराज को चढ़ाते हैं पहला तो हम लोग वो खा ले तो अच्छा नहीं रहता जे ऊ तो यहाँ रेस्ट कर रही है और मामू के लिए मैं दो फ्रेश सीधा ही पेड़ से नाशपाती लेके आ गया काटनी है ऐसा छुरी और वो देता हूँ है ना ठीक है तो मामू को ये वाली ज्यादा पसंद है ये टाइट रहती है ना दांत मामू के इसमें भी रह सकते हुई <laughs> ये जो पियर्स है ना ये अर्ली वेराइटी है जल्दी आ जाती है तो अभी चाची आए उनको खानी है पक्की पियर्स और मामू को खानी थी वो जो अभी कच्ची डायरेक्ट फ्रॉम ट्री चलो अरे ये खा रहे हैं देखो इसके लिए बोलते है तो मैं कहा आपके दांत कहीं इसी में ना रह जाए पर धोना पड़ेगा पहले ना अरे ये मामू बोलते इसके लिए हेक्सा ब्लेड लगेगी मैं कहा आपके कहीं ऐसा ना कि दांत इसी आ, में आ, रह जाए नाशपति में हाँ वो वो अभी इस छुरी से काट रहे हो तो पापा भी आ चुके हैं वापस सुबह से ही गायब थे कहाँ थे आप आज ऊपर से शादी वाले घर में वाइंड अप कर रहे थे सारा हाँ। सामान कोई कुछ कोई कुछ जो भी था बिखरा पड़ा सामान जो भी था सारा इकट्ठा करके सब गांव आए आए थे अच्छा क्लोज कर रहे थे उसको तो अभी अब आए ठीक है अभी ये लोग भी जा रहे हैं सारे शिवा जा रहे, आप लोग जा रहे? हाँ, सब तो हम अच्छा। तो बोल रहे थे रुक जाओ हाँ, पर शायद काम होगा सबको अच्छा तो सब जाना चाहते हैं बस अभी आएंगे इधर ही सब गाइस आज आप लोग जा रहे हो रुकना चाहिए आई थिंक स्टे करना चाहिए, चाहिए।, चाहिए। जा, कैसे हमने तो वैसे भी आना ही है मतलब अट्ठाईस उनतीस तक कैंसिल करना है हाँ डिनर ही पे करवाते हैं आज आज सबका सुबार। हाँ सुबह हाँ, जा सकते हो अगर अगर समय है आपके पास हाँ बुई को जल्दी लग रही है मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं नहीं तो ठीक है भाई एक बंदा तो यहीं रुक गया हाँ जी तो हाँ तो बुआ तो बिल्कुल नेहा यही बोल रही थी कि बुआ का तो फिर भी नहीं मन करेगा जब मैं भी जाती हूँ मेरा मन भी नहीं करता ये बात सही है पर बाकी लोगों को भी पूछना पड़ेगा रुकेंगे पिंकी अमी आपका है तो पूछने का आप कहा अच्छा बाय बाय ये ये बात बात सही तो ठीक तो तो है क्यों। भांजा साहब का है भांजा साहब कोई पूछते हैं वो गाड़ी थे यार से। पर भांजा साहब को एकदम ऐसा हो जाएगा कि नहीं नहीं यार जाना है अब तो दूल्हे राजा नहीं मान रहे अभी नहीं नहीं हुई है शादी छलांगे देर उधर से प्रीति भी वही से आ रही है नहीं नहीं आ नहीं ठीक है अब आज जाने का टाइम आ गया ना तो ये ऑफ रोडिंग भी यही से ऑफ करे तुम दोनों है ऑफ करे तुम दोनों यहाँ से शॉर्टकट उधर 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 आगे से आगे से आगे से जे को भी पता लग गया कि आगे अपने बंदे ये ऐसे तो वो लोग कबड्डी खेलते थे चाय के लिए तो सब मना कर रहे कोल्ड ड्रिंक ठीक है है ना नहीं तो अभी कुछ देने को नहीं होता और गर्मी इतनी है कि चाय तो नहीं पी सकते चलो फिर लेके चलो आप शिवम की शादी की बात हो रही है दादी समझ गया वो समझ गया है शिवम जैसे तू तैयारी कर रहा ना अब तेरे को नेक्स्ट तैयारी भी करनी है ठीक है भाई बाय बाय। दादी का नेक्स्ट टारगेट तू ही और जल्दी हो जाएगा काम देखियो अब तो अब तो शिवी गांव में भी होगी शादी तो सब लोग जा रहे हैं सबको बाय और अभी मैं और नेहा जाएंगे लास्ट आधार तक इनको ड्रॉप करने इनके साथ क्यों, ये जो सेंट्रोस में लोग नहीं जा सकते कुछ लोगों को पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि सड़क खराब है मैं और नेहा भी इनको सी ऑफ करने बाहर तक जाते ठीक है गाइस बाय 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 अच्छा लगा आप लोगों से मिलके जल्दी वापिस आए बुआ बुआ बाय जल्दी वापिस आए तो अगर आज का कैंसल हो जाए तो, तो बढ़िया मजा आ जाए ठीक है भाई गाड़ी निकाल दे तू भी। तो सबको सी ऑफ कर दिया है आधार तक आए थे हम लोग भी तो जब तो आते हैं ना अच्छा लगता है और ऐसा माहौल बना रहता है घर जाने का भी मन करता है और अब तो हम दो ही होंगे और तो थोड़ा सा समय काटना मुश्किल हो जाता है जब सब हो, सब होते है तो कजन के साथ मजा भी आता है, है। और अभी को हम यहाँ नहीं होने थे कहीं ना कहीं चले जाने थे मौसम वैसे इतना गर्मी वाला इधर चलो हाँ। अब सब अपने अपने काम में बिजी है सही बात है अब शादी भी खत्म हो गई है अब तो कोई तो बहाना नहीं है काम करना हाँ तो सबको जाना भी था सबके काम भी है छुट्टियाँ भी अब बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि लक्ष्य की शादी को ही कम से कम आठ दस दिन हो गए थे फिर उसके बाद गांव का यहाँ आना यहाँ पे रहना सबको हाँ। अपने काम भी है उज्जवल ने भी वापस जाना है मुंबई जाना तो सबको तैयारी भी करनी होती है हमने भी जाना है शिमला वापस उससे पहले हम लोगों ने की जाना है वहाँ पे काम है हमें तो जो भी काम है आपको उसी टाइम बताएंगे तो बस अभी। अब हम लोग चले वापस जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज है बोला भी, भी नहीं जा रहा है लंच भी नहीं किया है सही बात है लंच की तैयारी करते हैं क्योंकि जैसे बता रहे थे नहीं है है टाइम से तो ऐसी बॉडी सी हो रखी बिल्कुल कल भी एक तो लेट हो गए ना हम लोग हाँ। और फिर कल लास्ट डे था तो ऐसा कर नहीं सकते थे कि हम लोग जल्दी जल्दी चले जाए बाकी तो। देखते हैं कुछ दिन में जिनकी शादी हुई है अभी हाँ उनको भी, भी बुलाएंगे जाने से पहले में और अक्षय उनको डिनर पे जरूर बुलाएंगे उसके बाद पता नहीं हम कब आते हैं मौका मिलता है की नहीं वैसे तो आएंगे पर चलो रच्ची तो अपना लंच टाइम हो चुका है और एक क्वेश्चन मुझे याद आया काफी बार पूछा गया है कि मम्मी और ताई जी का क्या रिलेशन है और ये दोनों सेम से दिखते हैं और क्या है क्या नहीं है कहानी वो मैं नहीं बताऊंगा स्वयं मम्मी से पूछते क्योंकि मम्मी वैसे भी कम बोलते हैं तो इस बहाने कुछ तो बोलेंगे हाँ जी मम्मी आप बताओ जरा क्या और स्टोरी है मैं और बड़ी मम्मी छोटे और फिर बड़ी मम्मी मतलब रिलेशन की है तो हमारी मम्मी और बड़े मम्मी एक ही गांव के हैं और जहां मेरे नानू का घर है वहीं पे ही रूबी दीदी के नानू का घर है ऊपर नीचे और कोइंसिडेंसली एक ही फैमिली में आए ये और बचपन में साथ पढ़े लिखे है बस फ्रेंड भी है तो मतलब ये रिलेशन काफी लंबा है और पुराना है और बल्कि शिवम के जो मम्मी है वो मम्मी के भतीजी लगते है तो मतलब ये तीन जो मम्मी है ये रिलेशन में आपस में और एक जो चौथे मम्मी है जो सबसे छोटे है वो चौपाल साइड से से आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये ये दोनों एक ही गांव के तब आपको ऐसा लगता है तो आपको लगता है सी की दोनों की शक्ल सेम है काइंड ऑफ वॉइस लगता होगा कुछ लोगों को हाँ। ये भी अपना अपना हाँ अच्छा एक बैलेंस तो बनाने के लिए सही बात है फिर चौथे को मुश्किल हो जाएगा थोड़ा दूर भेजना पड़ेगा डोड्राक हाँ सही बात है बस डोड्रा कवार के लोग बहुत अच्छे, अच्छे होते हैं और वहाँ पे ना बहुत बढ़िया है कवार जाना चाहिए लाइफ में एक बार मैं तो कहूँगा तो करें लंच हाँ। तो मैं आप सबको बता दूँ कि बहुत ही जल्द हमारे जो है पचास के यूट्यूब फैमिली बनने वाली है तो अभी मैं फोर्टी नाइन कुछ पे हूँ तो उम्मीद ये है कि आज शाम तक में भी शायद फिफ्टी के पूरे हो जाएंगे हाँ। थैंक यू थैंक यू और हाँ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं भी दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी लोगों को जितने अभी तक जुड़े हैं और भी जोड़ेंगे हम आगे धीरे धीरे और अपने पेरेंट्स का नेहा का कजन्स का फैमिली का और यूट्यूब फैमिली का सबका का तह दिल से शुक्रिया अदा अगर आप सब नहीं होते आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता अभी तो शुरुआत है बहुत आगे तक जाना है अगर आप लोगों का साथ होगा तो घर वालों का आशीर्वाद तो है ही है तो मैं चाहता हूँ कि सबका आशीर्वाद भी ऐसे बना रहे तो आप लोगों को कुछ कहना है फिफ्टी के होने वाले हमारे ये बहुत अच्छी बात है एक जो इतना बड़ा परिवार हो गया पचास हजार सब्सक्राइबर्स हो गए जो इसको देखते हैं और जिनकी वजह से आप लोग ग्रो कर रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट उनको देते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं जी तो ये बहुत बड़ी बात है तो धीरे धीरे बढ़ती जाए हम तो कहते हैं कि जल्दी से बढ़ जाए एक लाख हो जाए <laughs> एक लाख हो जाए ताकि सबको एंटरटेन कर सके काफी तो मेहनत करते हैं आप भी मेहनत करते हैं जब से बहु रानी हमारी आई है हाँ ये भी इक्वली मेहनत कर ये हाँ ये जो ना, ये भी पूरा अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करती है तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं बहू को भी अप्रिशिएट करते हैं नेहा को भी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप भी इसमें जो है कंधे से कंधा मिलाकर इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं तो ऐसे ही चलते तो मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगे मैं भी यही कहना चाहूंगी YouTube फैमिली को कि भैया हमारे को अच्छा सपोर्ट करे हाँ और हमारे बहु रानी और बेटे, बेटे को अच्छा है। अच्छा ग्रो करे ग्रो हाँ, करे थैंक यू मम्मी थैंक यू हाँ जी आप आप कुछ कहना चाहोगे आप जब से आए हो तब से तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, है। टचवुड बहुत अच्छी बात है अभी तक मैं और लोगों के चैनल में फिफ्टी के देखती थी कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के चैनल में भी कभी होगा बट थैंक यू सो मच ऐसे आप हमें प्यार देते रहें और आज शाम को या कल सुबह तक तो शायद हो ही जाएंगे फिफ्टी के तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे चैनल में भी एक फिफ्टी के वाला आ जाएगा हाँ। और बहुत जल्द जो है ना और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है चलो पहले लंच कर लेते हैं हाँ भूख लग रही के, है छोटा सा छोटा सा कुछ सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं फिफ्टी के, के? कर सकते, सकते हैं सकते, सकते है छोटा सा ठीक है ठीक है चलेगा तो ने कुछ ना कुछ ठीक है चलो हाँ वो ने हम बाद में बताएंगे बाद में बताएंगे हाँ चलो फिफ्टी के वाला पापा देख कर रहे हाँ ठीक तो है अपने हिसाब से और उसके बाद वाला जो वो हम करेंगे चलो ठीक है चलो लंच करते हैं तो इवनिंग टाइम हो चुका है सब लोग पी रहे हैं चाय और मैं सोच रहा हूँ अभी नेहा कुछ टाइम ना वॉक करने भी चलते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे लास्ट पर मतलब बहुत आलस हर चीज़ भी <laughs> मेरे को खुद भी ऐसे सुस्ती सी आगे। थोड़ा राउंड मार के आते थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और दादी भी आ चुके है दादी आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए फोन में क्या देख रहे हैं <laughs> व्यस्त तो, <laughs> तो दादी कहाँ थे आप पूरे दिन भर दिखे नहीं आपने रेस्ट किया दिन में <laughs> चलो ये बढ़िया किया आपने अभी पहले उनके साथ भी थे थी थी थोड़ा भी भी है। तो, थी तो थी। अभी कितना अच्छा लग रहा था मैं देख रहा था ना जब शूट कर रहा था तो बैकग्राउंड में लोग थे ना आवाज आ रही थी चहल पहल अब देखो अब कुछ भी नहीं आया शांति तो मैंने यहाँ ये बात कर रहे थे जब लोग आते तो बड़ा मजा आता फिर जब चले जाते तो बड़ा ऐसा लगता है की सुनसान हो गया बड़ा शांत हो गया हाँ ये तो है तो चलो ठीक है दादी अभी हम जा रहे हैं लास्ता दार फिर मिलते हैं आपको है ना शाम को। तो अपना इवनिंग टाइम हो चुका है। बोले तो वॉक का टाइम भी हो चुका है तो आज हम वैसे आपको लग रहा है अच्छा में हो रही है और शरीर में ना बड़ी सुस्ती सी और थकान सी है क्योंकि जब तक एक दो दिन अच्छा से रेस्ट नहीं होता ना तो शरीर ऐसे ही रहने वाला है तो मैं और सोच रहे थे थोड़ी देर वॉक करेंगे फिर लास्टा घर बैठेंगे क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है और शायद थोड़ी हाँ। हवा भी चल पड़े। पिछले कल तो बहुत ठंडी हवा थी नेहा को जो है ना स्वेटर डालना पड़ा हाँ। रात को रात की बात कर रहा हूँ मैं और सुबह को इतनी धूप अभी जैसे इवनिंग हुई है फिलहाल के लिए तो मौसम ठीक है शाम तक पता नहीं ठंडी हवाएं चलती हुआ की नहीं चीज़ नोटिस हाँ जी हम लोग तीन चार दिन शादी में थे यहाँ तो दो चार घंटे फिर भी थक गए क्योंकि रात को हम लेट से है ना रेस्ट नहीं हो उसी वजह से पूरा थकान बढ़ गई तो चलो अभी फ़िलहाल आस्थाधार पहुँचते पहले तो लास्ट आधार में हमने सोचा था कि हवा नहीं होगी पर हम गलत थे इस टाइम पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और इससे पता चलता है कि शाम को और अच्छी जो है ठंडी हवाएं हो सकती है तो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं तो अभी फ़िफ्टी के नहीं हुए फिफ्टी के लिए मेरे को सिर्फ मात्र बीस सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और आई नो कि मैं ब्लॉग तो ख़त्म कर ही दूंगा पर आज रात वो फिफ्टी के हो जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जो है नए शुरुआत करेंगे धन्यवाद से सबकी अगर फिफ्टी के कम्प्लीट हो जाते वैसे तो हो ही जाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज रात तक की तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में फिर से शुरू करेंगे पचास के के साथ तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ तो मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा देखते रह्स जुड़े रह गले ब्लॉग्स के लिए तब तक के लिए धन्यवाद